हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हो और इसमें इनकोग्निटो मोड में आप कुछ भी सर्च कर लेते हो और आप सोच रहे हो कि मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ, कोई भी किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, तो आप ये सरासर गलत सोच रहे हो। यस, ये पूरी तरह से गूगल ने खुद कन्फर्म किया है और इसकी वजह से गूगल के ऊपर बहुत बड़ा केस भी हुआ है। तो क्या है और इनकोग्निटो मोड होता क्या, आज हम इस वीडियो में सारी बात करने वाले। तो चलिए फिर आरम्भ कर लेते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकोग्निटो मोड होता क्या है। तो हम बात करते हैं क्रोम के साइड से, ठीक है। तो क्रोम में दो तरह के फीचर आते हैं। फर्स्ट एक सिंपल मोड, जैसे कि आप जाते हो डायरेक्ट वहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो और जो आपकी एक हिस्ट्री तैयार हो जाती है, आपके बुक मार्क्स तैयार हो जाते हैं, आप क्या क्या सर्च कर रहे हो सारा वो गूगल को पता चलता रहता है और आपकी जो सारे डेटास होते हैं वो गूगल के सर्वर पर स्टोर होते रहते हैं। और सेकेंड बात कीजिए, उसी में जाके आप अगर थ्री डॉट पर जाते हो और उसमें आप टैप करते हो तो आपका इनकोग्निटो मोड चालू हो जाता है, ठीक है। और उसमें आदमी का लगता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो एक कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया के तीन बंदों ने उन्होंने देखा कि जो गूगल है वो सचमुच में इनकोग्निटो मोड के अंदर भी आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है। आप जो सर्च कर रहे हो, आप जो कुछ भी देख रहे हो, सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है गूगल के सर्वर पर। ऐसा उन्होंने फाइंड किया, खोजा। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, अमेरिका की जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर उन्होंने केस कर दिया और अब गूगल के ऊपर बिलियन डॉलर का केस चल रहा है। और गूगल ने ये बताया भी है कि हाँ हम ऐसा करते हैं। यानी सीधी सी बात की जाए तो अगर क्रोम के इनकोग्निटो मोड में आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो किसी भी तरीके से वो सिक्योर नहीं है, आपका सारा डेटा लिया भी जा रहा है। और बात की जाए तो इनकोग्निटो मोड में अगर आपके जो टेलीकॉम ऑपरेटर, उन्हें साफ साफ पता ही चलता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। यस, ये पूरी तरह से फिक्स है, उन्होंने साफ साफ उसमें मेंशन भी किया है। और उन्होंने ये बताया कि हम थर्ड पार्टी कुकीज को खाली अलाउ नहीं करते, यानी ये दोनों बात उन्होंने बताया है। और आगे बात कीजिए तो कुकीज क्या होता है, आपके मन में ख्याल आ ही रहा होगा, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कुकीज क्या होता है, थर्ड पार्टी कुकीज क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बात की जाए कि आप क्या करें, क्योंकि अब तो इनकोग्निटो मोड सिक्योर रह नहीं गया है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि बात की तो ओपेरा मिनी, ठीक है, आप वहां पर जाइए, ठीक है, जो आप इनकोग्निटो मोड पर सर्च करते थे आप वहां पर जाकर सर्च कर लीजिए। लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आप अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन ना कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि क्रोम ब्राउजर में आपकी जो ईमेल आईडी होती है वो ऑलरेडी लॉगिन होती है, तो इससे क्या होता है कि आपकी लॉगिन आईडी के बारे में पता नहीं चलेगा। जिससे क्या हो सकता है कि इसमें आप लोकेशन भी जो इनेबल ना कीजिए, जिससे आपकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा, आपकी ईमेल आईडी का पता नहीं चलेगा, तो कुछ हद तक आप सिक्योर रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।